तो गाइज अभी जो है अवार्ड मिल चुका है और ये देखो ये तो हे गाइज वेलकम बैक टू द चैनल एंड माय अनदर ब्लॉग दिस इज गौरव लेखवार। तो दोस्तों आज जो है आपका भाई बहुत ज़्यादा खुश है। वो क्यों खुश है वो आपको पता चल गया होगा थंबनेल और टाइटल के थ्रू। तो भाई आज आपके भाई को मिलने जा रहा है उत्तराखंडी बेस्ट अचीवर अवार्ड। सीरियसली मतलब जब मुझे ये न्यूज़ मिली ना तो मैं मतलब मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि मुझे अवार्ड मिलने जा रहा है, क्योंकि स्कूल कॉलेज में तो काफ़ी अवार्ड मिले हैं लेकिन अपने काम के लिए फर्स्ट टाइम अवार्ड मिलने जा रहा है। तो अभी शाम के बज रहे हैं 5 और मेरा जो है नाम नॉमिनेट हुआ है। तो मैं अकेला नहीं हूँ जिसका नाम नॉमिनेट हुआ है, काफ़ी सारे लोग हैं जिसमें कि मेरे जानने में सोनिया दी हैं, सोनिया जोशी दी, उनका नाम भी नॉमिनेट हुआ है और एक और भैया है उनका भी नाम नॉमिनेट हुआ है। तो हम सभी लोग जा रहे हैं तो सब अपना अपना लगभग जाएंगे। तो मैं जा रहा हूँ और मेरे साथ में शायद से मैं अपने साथ में अविनाश को लेके जाऊँ वहाँ पर, क्योंकि मेरे साथ में कोई और तो था नहीं। तो मैंने सोचा अविनाश को लेके चलता हूँ और भैया लोग भी वहीं मिलेंगे मुझे, सोनिया दी भी मेरे को वहीं मिल जाएगी। तो पूरे व्लॉग में बने रहना आप लोग क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और आज क्या होने वाला है सीरियसली वहीं जाके पता चलेगा। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ तो बहुत मज़ा आएगा आज। तो चलिए फटाफट से चलते हैं, लेकिन अवार्ड लेने से पहले आपको जो है मैं कुछ बताने वाला हूँ। पहले जो है आप उस चीज़ के बारे में जानिए, उस चीज़ को देखिए, उसके बाद जो है हम मिलते हैं सीधा आगे। चलिए तो दोस्तों आज जो है मुझे लोई बॉबिन की तरफ से ये डेली अल्ट्रा हाइड्रेंट बॉडी लोशन आया है, जो कि आपको पता है कि विंटर्स आने वाले हैं और विंटर्स में हमारी स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो इस विंटर्स आपकी स्किन का ख्याल रखने के लिए लोई बॉबिन की तरफ से ये डेली अल्ट्रा हाइड्रेंट बॉडी लोशन आपका ख्याल रखेगा। तो अभी जो है मैं आपको अपनी स्किन पे इसे अप्लाई करके दिखाता हूँ। ये एक तो इसे मैं अभी अपनी स्किन पे अप्लाई कर रहा हूँ और ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, फ्रेग्रेंस इसकी काफ़ी अच्छी है क्योंकि इसमें है हाइलुरोनिक एसिड, एलमंड ऑयल और एलोवेरा। तो आप भी इस प्रोडक्ट को अगर परचेज करना चाहते हैं तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जो है अमेजोन से इस प्रोडक्ट को ईजिली बाई कर सकते हैं और इस लोशन का यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो गाइस अब हम जा रहे हैं और ये अविनाश भारद्वाज जी हैंडसम हंक बने हुए हैं। तो आज अविनाश के आईफोन से शूट हो रहा है, चलो चलते हैं, 5:30 हो गए क्योंकि चलो। तो दोस्तों फाइनली अविनाश भी आ चुका है और मैं भी आ चुका हूँ। होप इससे पहले जो प्रोडक्ट मैंने आपको दिखाया वो आपको पसंद आया होगा। और अब हम फटाफट से जा रहे हैं ऑडिटोरियम में जहाँ पर जो है अवार्ड शो है और आज वहाँ पर अविनाश भी परफॉर्म करने वाला है। ये अविनाश का गिटार है, चलो अब सीधा मिलेंगे अवार्ड शो। तो अभी थोड़ा सा टाइम है, हमें अवार्ड के लिए इतनी जल्दी होती थी कि हम पहले ही निकल गए आज। तो अभी 20-25 मिनट हैं तो फिलहाल हमने सोचा कि सूप रोल खा लेते हैं। तो ये हम यहाँ पे अपनी फेवरेट जगह पे सूप रोल खा रहे हैं और फिर अब हम गाड़ी से जाने वाले हैं क्योंकि अब सब लोग साथ ही जा रहे हैं। चलो फिर। तो गाइज हम फाइनली ऑडिटोरियम में पहुंच चुके हैं और ये अविनाश और ये बच्चे, इनका परफॉर्मेंस है यहाँ पर और ये लोग मुझे पहले से जानते हैं। ये मेरे सब्सक्राइबर हैं, ये मेरे ब्लॉग पहले से देखते हैं जो कि मुझे अभी पता चला। चलो थैंक यू सो मच, चलो इनका परफॉर्मेंस देखेंगे आज ऑडिटोरियम में। गुड इवनिंग सर की। तो ये प्रभात सती भैया, इनका नाम भी नॉमिनेट हुआ है एजुकेशन में। और ये देखो उत्तराखंडी अचीवर्स अवार्ड। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द लैंप लाइटिंग सेरेमनी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। उत्तराखंडी अचीवर्स अवार्ड 2022। ये प्राउड फील कराया हर फील्ड में, हर सेक्टर में। यहाँ पे हम काफी गर्व महसूस करते हैं जब हमारे उत्तराखंड के लोग अच्छे से पूरे दिल और जान से काम करते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार जोरदार तालियां अविनाश। कम ऑन द स्टेज।
कैसा लग रहा है? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हारे भाई को अवार्ड मिला, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। और अभी मैं परफॉर्म करने वाला हूँ गाइस, आप जरूर देखिए, ब्लॉग में बने रहिए। चलो तो सभी को पहले तो मेरा प्रणाम नमस्कार। और आज देवभूमि में मैं आपके सामने परफॉर्म करने जा रहा हूँ, तो एक सूफी और लव सॉन्ग है, आप सभी को सुना रहा हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा। ए ना सोनिया दकम, ए ना सोनिया दकम दगा ते बोड़े बन के सवा कद दे ओ सोनिए जे तेरे नाल, सोनिए जे तेरे नाल दगा मैं कमा नी रब कदे मैं मर जावां, हो नी सच्ची मुच्ची मैं मर जावां, मुख तेरा देख के चंद शर्मोदाए, रब भी बना के तैनू आपे पछतोंदाए। तो गाइस अवार्ड मिल चुका है और अविनाश का परफॉर्मेंस भी आपने अभी देखा होगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया। रात के 11 बज चुके हैं तो अब हम जा रहे हैं घर, भूख भी लगी है, पहले कुछ खाना खाएंगे। और भैया तो पहले चले गए थे अरविंद भैया, अब हमें लेने आ रहे हैं फिर से। बहुत मज़ा आया, तो कैसा लगा भाई? मुझे भी बहुत अच्छा लगा, परफॉर्म किया और बहुत लोगों ने अप्रिशिएट भी किया। तो बाकी जो ये अवार्ड मिला है, ये हम अपनी पूरी टीम को, हमारी हिमवास की पूरी टीम को देना चाहेंगे। गीता दी हो गई, सौरभ भैया हो गए, सोनम दी हो गई, और सोनम दी की मोम यानी कि रूपा आंटी जी हो गई, और दूसरी वाली गीता दी हो गई, अनुपमा दी हो गई, और शुभम भाई, चंद्रवीर भाई, सभी को, हमारी हिमवास की जो पूरी टीम है उन सबको ये अवार्ड मिला है, हमारी पूरी हिमवास की टीम को। तो थैंक यू सो मच एम्बेलिस टैलेंट मैनेजमेंट और परिया फाउंडेशन, जो कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा कि हम जो है इस अवार्ड को ले पाए और ये अवार्ड उन्होंने हमें दिया। तो थैंक यू सो मच। बाकी गाइस अब घर चलते हैं और फिर आगे मिलते हैं आपसे। फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं और रात के 11:30 हो रहे हैं। और भैया आज आपके भाई को अवार्ड मिला है, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा जो छोटा भाई है गौरव, और बहुत ही कम उम्र में इसने अपना बिजनेस शुरू किया, हिमवास नाम की एक कंपनी शुरुआत की, और आज इसे इसका एक अचीवमेंट भी मिला है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरी शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। और भैया हमेशा मेरा सपोर्ट करते हैं, मेरा क्या, सब पे सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में। तो चलो फिलहाल अब घर पहुंच गए हैं, अब आज का व्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं। होप कि आपको पसंद आया होगा, बाकी ये भी है मेरे साथ, पसंद आया तो लाइक कर देना और शेयर ज़रूर करिए, और इसकी गायकी के लिए कमेंट ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब चैनल गौरव लेखवार। चलो बाय बाय।